सेक्स की दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। सेक्स की दवा बहुत ही कॉमनली ली जाती है, लोग डायरेक्ट केमिस्ट के पास में जाते हैं और वहाँ से दवाई ओवर द काउंटर परचेज की जाती है, और लोगों को पता भी है कि वायग्रा जैसी दवाई दो ऐसा बोलते हैं और वो ले लेते हैं। मगर ये जो दवाई है, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी है। ऐसा सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा समझो गोली जो है, तो ये गोली 25, 50, 100 मिलीग्राम में आती है, और इस ये वायग्रा लेते तो इसमें बहुत सरदर्द होता है। दूसरे दिन लोगों को बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है, इतना कि कुछ भी गोलियां दवाइयां लेते तो सरदर्द हटता नहीं है, कम से कम 24-36 घंटा उनको सरदर्द होता है। कुछ लोगों का चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो चेहरे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो चेहरा लाल हो जाता है बहुत। फिर बदन में ऐसा लगता है कि बहुत गर्म ऐसा लग रहा है, भाप आ रही ऐसा लगता है, और बुखार आया ऐसा लोगों को लगता है। फिर लोगों को कुछ लोगों को चीज़ें नीली दिखना शुरू हो जाता है, वो आग के पर्दों के ऊपर काम करती है तो चीज़ें नीली दिखना शुरू हो जाता है। वो टेम्पर रहता है, मगर उसका इलाज भी करना जरूरी है, तुरंत गोली बंद करना होगा। कुछ लोगों को चक्कर आना, उल्टी होना, ऐसे भी साइड इफेक्ट दिखाई देती है, और कुछ लोगों को यदि वो गोली ऑप्टिक नर्व के ऊपर असर करती है, आँख में जो नर्व रहती है ऑप्टिक नर्व उसके ऊपर असर करती है, तो आँखों की रोशनी भी चली जा सकती है। जो लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब, या जिनको स्ट्रोक आया हुआ है, लकवा मारा हुआ है, या जिनको हार्ट अटैक पहले आया हुआ है, तो ये लोगों ने सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। टाडालाफिल जो गोली है, वो गोली 10-20 मिलीग्राम में आती है, 5 मिलीग्राम 2.5 ऐसे भी है छोटे छोटे डोज, और उसमें ज़्यादा जो कॉमन साइड इफेक्ट जो दिखाई देता है वो मांसपेशियों में दर्द, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें भी ऐसा लगता है कि बुखार आ गया। कुछ लोगों को सरदर्द होता है, पेशाब में जलन होती है, और उनको ऐसा बहुत सिक जैसा फीलिंग हो जाता है। तो ये सब दवाइयाँ केयरफुल लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेके लेना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा भी हो चुका है कि वो दवाई लेते हैं और इनको दवाई लेने के बाद में रात को इमरजेंसी में लैंड होना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी में उनको चेस्ट पेन, हार्ट अटैक आ जाता है, और उनको इमरजेंसी में लाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उनको यदि ब्लड प्रेशर की दवाई चालू है, हार्ट की दवाई चालू है, उसके ऊपर समझो वो सिल्डेनाफिल लेते हैं तो ब्लड प्रेशर और डाउन होकर बहुत बड़ा हृदय का झटका आ सकता है। और एक बहुत रेयर मगर साइड इफेक्ट जो है वो है प्रायपिज्म का। इसका मतलब लिंग के जो मांसपेशी एकदम बहुत ज़्यादा कड़क होना, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाना, लिंग में बहुत ज़्यादा कठोरता आना और वो ढीला नहीं होना, लूज नहीं होना। देखिए यदि लिंग बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, कठोर हो जाता है, और 3 घंटे के ऊपर यदि वो टाइट रहता है तो बहुत ज़्यादा दर्द उसमें चालू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका रंग बदलना चालू हो जाएगा, और वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। जो खून लिंग में अंदर घुस गया था वो खून वापस नहीं जा रहा है, वापस जाने के रास्ते पूरे बंद किए गए हैं, और अभी वो यदि खून वहीं रहेगा तो धीरे 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 लिंग जो है वो काला पड़ते जाएंगे और काटने का भी टाइम पड़ सकता है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। यदि 3-4 घंटे के ऊपर भी यदि लिंग ढीला होता नहीं है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, और तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स जानना जरूरी है, और इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप डॉक्टर की सलाह के सिवा ये दवाई नहीं लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।